मॉर्निंग गाइस, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैं पी रही हूँ सुबह की अपनी लस्सी। जी हाँ, आज मुझे कोई स्मूदी या कुछ भी सत्तू या कुछ भी ऐसा पीने का मन नहीं था। आज मुझे बस लस्सी पीने का मन हो रहा था, ठंडा ठंडा। और इसमें मैंने लस्सी में भी मैंने थोड़ा सा चिया सीड बस डाल दिया। लस्सी, दही, थोड़ा सा वनीला एसेंस एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ स्टीविया, ठीक है। बस ये मैंने मिला मिक्स करके इसमें चिया सीड डाल दिया, बस दैट्स इट। और यही अभी फिलहाल मुझे पीने का मन हो रहा है, ठंडा ठंडा। एंड दिस इज माय ईवा, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ ईवा से। सो दिस इज माय ईबू, मेरा बच्चा। और अभी जो है इसने खाना पीना ऑलमोस्ट छोड़ा हुआ है, क्योंकि गर्मी की वजह से इसको बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि पापा नहीं है, पापा नहीं रहते हैं, तो ये बहुत सैड हो जाती है। और जैसे इसे जो इसका डेली रूटीन सुसु पॉटी का होता है, वो 2 टाइम्स का होता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, विच इज़ ऑब्वियसली नॉर्मल। बट जब पापा चले जाते हैं तो ये सुसु पॉटी भी करने नहीं जाती है, इतनी सैड हो जाता है, इतना सैड हो जाता है मेरा बच्चा। अभी ये बहुत ज़्यादा सैड है, पापा को हद से ज़्यादा मिस कर रहा है मेरा बेटू, खाना भी नहीं खा रहा एकदम से। एक तो रीज़न गर्मी भी है, वैसे भी इसने काफ़ी टाइम से खाना कम करा हुआ था, मतलब बहुत ही कम खाती है, बहुत चूजी होकर के खा रही थी। और लेकिन अब जब पापा नहीं है अभी, तो बिल्कुल ही इसने छोड़ा हुआ है। मतलब रात में भी जो खाती है वो भी बहुत, मतलब नाम के बराबर। तो मेरा प्यारा बच्चा और बेबीज़ का तो हर टाइम यही कहानी रहता है, इन लोगों के साथ हर टाइम कुछ ना कुछ रहता ही है। बट स्टिल ये हमारी लाइफ है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। एंड आई एम श्योर आप में से जिन जिन के भी घर में फर बेबीज होंगे, वो भी उनके बिना नहीं जी सकते, बिकॉज दे आर आवर लाइफ। बिल्कुल मत छोड़ना बाबू, हाँ एकदम नहीं छोड़ना, कतई मत छोड़ना। ये जो लड़का है इस घर में सबका हक मारता रहता है, छोटा सा बच्चा का भी मेरे हक मार लिए तुम बेचारे, जबरदस्ती अपना जगह ले रहा है, जबरदस्ती जगह लेना पड़ रहा है उसको। लगे पड़े हैं तीनों लोग, कौन पहले किची पिची करेगा। ओ इस घर में मेरा ही कोई मतलब नहीं है, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनविजिबल है मिस्टर इंडिया। इस फोटो में देखो कितने, इस फ्रेम में कितने क्यूट लोग हैं, फिर तुम अपनी शक्ल देखो। क्या कहना चाहोगे, तुम्हारे ऊपर जो 11 केजी का वो बैठा है चूहा, मेरी नजरें सब कह रही हैं। बताइए तुरंत मंडी को चलो बहुत ज्यादा तुमको दे देते, ज्यादा ना लिया कर। जब से ये लड़का आया है तब से मेरा बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारे आने के बाद से ये बिगड़ी है, इससे पहले कभी नहीं गुराती थी। ये लड़की तो हर जगह मेरा बेइज्जती करा देती है, जब हम सोचते हैं कि नहीं करेगी। झापड़ खाने के बाद कि कुत्ते जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ये चीज मुझे बहुत अंदर तक हिट की। फिर मैंने अपने इस अस्तित्व को पूरी तरीके से अपना लिया, यू नीड टू इंटरनलाइज द इनर डॉग एंड देन उसे पेट से आना चाहिए यहाँ। जैसा कि आपने देखा, इसे टैलेंट, इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, क्यों करिए आई कांट टेल यू व्हाई टू डू इट इज नॉट माय क्वेश्चन आई कैन आंसर। क्या रहा था हमारा, हाँ छोटा सा, इसमें तो कितना ही आ जाएगा, दो चम्मच ले रहा अच्छा ये भी बनाने वाली होगी तुम, छोला इसलिए बनाई थी आज तुम, इतनी सारी सीक्रेट, बस उतना ही आएगा, बस इससे ज्यादा का चगा नहीं उसके पेट में। मिट्टी तुम भी खाओगी क्या भाई, क्या करा भाई, सुसु गया मम्मी, उसका पेट उतना छोटा ही है मेरे पेट जैसा, उतना ही आएगा बस, अब पानी का तो आई डोंट थिंक जगह होगा, कुछ तो हो ही जाएगा चक्कर। हम्म,
फाइन बड़ा टेस्टी है। अच्छा बना है बट प्याज इसमें अच्छा लगेगा। बल्कि हम पता है क्या बोलते हैं, दही वाला कर लो, वही बनाते मजा आएगा। लेकिन उसके लिए मीठी चटनी तो होगी नहीं, मीठी चटनी सॉस डाल देना हल्का सा, अच्छा लगेगा। हल्का सा डाल के देखेंगे, देख लेना। हाँ फिर खाएंगे। मम्मी ने बड़ा मस्त फुलका बनाया, फुलकी फुलकी बोलते ना, पुचका पुचका बनाया। इसका तो पेट ही भर गया, दो दो दाना जा रहा है। ये वो लोग तो डालते हैं ना, मटर डालते हैं ना, हाँ। तो छोटा छोटा वो तो गला उला सा रहता है, सब वैसे घुसा रहता है। इसमें कोई जगह नहीं मम्मी, भी पेट में जगह नहीं है। तुम आलू इतना पेट में भर दियो कि छोले के लिए हम बता रहे हैं इसका फुलकी की जगह पे बन जाएगा चाट। हाँ तुम्हारी इमली वाली चटनी यार खत्म कर दी तुम। अंदर से निकल रहा है आ मजा, बहुत ही लाजवाब। हे गाइस, सो मैं वीडियो अभी एडिट कर रही थी, कल की वीडियो है, कल जाने वाली है। और मुझे ध्यान आया क्योंकि अभी तो सब ना क्लिप्स हर दिन मतलब फिक्स नहीं हो रहा है कि एक पूरा दिन का है, जैसा मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने एंड तो शूट किया ही नहीं है, तो मैं फटाफट अभी एंड शूट कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी ईवा, मेरी फैमिली, हम सब लोग पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बिग थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे मुझे एक बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि मुझे आगे और वीडियोस पे काम करने का मन बना रहता है। आपके लाइक और कमेंट से वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी और लोगों तक पहुंचेगी, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ वो सफल हो रहा है, उसका कुछ तो आउटकम दिख रहा है। क्योंकि अपने पूरे टाइम में से निकाल करके अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और वो कहीं पहुंचे ना लोगों तक, तो मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचे तो कम से कम लोगों तक मैं तो पहुंचूं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ईवा भी आ गई, आपको बाय बाय बोल रही हूँ, बॉ बोली ईवा भी आपको बाय बाय बोली है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तुम भी दे दो, हाँ हाँ।